पूछता है उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज काफी अहम है पूछता है उत्तराखंड, इसलिए अहम है क्योंकि आप उत्तराखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसकी तारीखों के ऐलान हो गए हैं। जी हां, उत्तराखंड में कब चुनाव होगा ये बता दिया है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने बता दिया है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे वाले दिन उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। उत्तराखंड के चुनाव के साथ ये साफ होगा कि आखिर उत्तराखंड क्या कहता है, क्या सोच रहा है। तो देवभूमि के दंगल पर लगाम लगने वाली है क्योंकि अब ना तो जनसभा, ना रोड शो, ना रैली, ना नुक्कड़ सभा, हर चीज पर लगाम लगा दी गई है। अब लगाम लगी है केवल 15 जनवरी तक। 15 जनवरी के बाद साफ होगा कि आगे करना क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 14 फरवरी को जो आप वोट करेंगे, पूरा उत्तराखंड जो वोट डालेगा 14 फरवरी को, उसका निर्णय आएगा 10 जनवरी को, माफ कीजिएगा 10 मार्च को। उसका निर्णय आएगा 10 मार्च को। 14 फरवरी को वोट करो, 10 मार्च को वोट का अपने निर्णय देखो। तो 14 फरवरी को एग्जाम और 10 मार्च को रिजल्ट। लेकिन क्या बाकी राज्यों की तरह इतना ही सहज है उत्तराखंड का चुनाव आज भी? क्या पहाड़ी क्षेत्रों में जब वर्षा, पहाड़ी क्षेत्रों में जब हम देखते हो कि भूस्खलन की स्थिति बन जाती है, जब बारिश के चलते सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, तब क्या सहज रहेगा चुनाव इस बार भी? इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि वर्चुअल के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से आप चुनाव प्रचार करिए। लेकिन क्या जहां कनेक्टिविटी ही नहीं है, जहां के लोगों ने आज तक फोन में अपने कनेक्टिविटी ही नहीं देखी, जहां इंटरनेट भी कछुआ चाल चलता हो, तो क्या उस कछुआ चाल के बीच राजनेता अपनी सियासी चाल चल पाएंगे? काफी अहम सवालों के साथ आज उत्तराखंड के इस कार्यक्रम को लेकर आया हूं और इन अहम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जनता भी जुड़ेगी। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं। तस्वीरें क्या है? तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यह तस्वीर, सुशील चंद्रा जी, जिन्होंने आज तारीखों का ऐलान किया कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होंगे। तो उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होंगे, उसके बाद 10 मार्च को पता लगेगा कि आखिर उत्तराखंड कहता क्या है, कि आखिर उत्तराखंड कहना क्या चाहता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड की आखिर तासीर क्या है, कितना, क्योंकि उत्तराखंड में बताया जा रहा है कि स्नोफॉल हो रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में स्नोफॉल हो रही है और जो ग्राउंड इलाके हैं वहां पर भारी बारिश हो रही है। लेकिन आज की तारीख का तापमान नियंत्रित करती ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया कि भैया आप तैयार हो जाइए, 14 फरवरी को वोट करने जाना है और इस बार तो लुभावने वादे भी हैं। हालांकि जो लोग चुनावी मौसम को, जो लोग चुनावी त्यौहार को एंटरटेनमेंट समझते हैं, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। इस बार ना तो रैली होगी, ना रैला होगा, ना जनसभा होगी, ना साइकिल यात्रा होगी, ना पदयात्रा होगी, ना नुक्कड़ सभा होगी, ना 200 बटेंगे, ना 500 बटेंगे, ना साड़ी बटेगी, ना ही चुन्नी बटेगी। तो इस बार उनके लिए समस्या है। लेकिन समस्या किसके लिए नहीं है तो आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए खास मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। ये कहा है कि महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जाएंगी, अलग से उनके लिए खास तरीके के मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ दिव्यांग, कोरोना प्रभावित और 80 साल से जो ज्यादा उम्र, साल के उम्र के ज्यादा के जो लोग हैं, उनके लिए पोस्टल वैलेट की सुविधा भी की जाएगी। तो उनके लिए पोस्टल वैलेट की सुविधा होगी और 10 मार्च को काउंटिंग। तो आपको यह बता रहे थे कि किस तरीके से जहां समस्या है वहां पर इलेक्शन कमीशन ने सावधानी बरतते हुए समाधान की भी बात की है। इस बार के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर, संभावित तीसरी लहर बिल्कुल दरवाजों पर खड़ी है और ऐसे में यह चुनौती ही है कि किस तरह से चुनाव कराए जाए। यह गंभीर चुनौती है और एक चूक से सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ। हालांकि चुनावों से पहले, बिल्कुल चुनावों से पहले, एक माह पहले, इतना समझ लीजिए, एक माह का समय,
चुनावों से एक माह पहले इलेक्शन कमीशन ने जब यह कहा है कि ना रैली ना जनसभा ना पदयात्रा, 15 जनवरी के बाद ही फिक्स नहीं है, बदल भी सकता है, तो उस बदलने को लेकर अब कई उम्मीदवारों के, कई कैंडिडेटों के पेट में दर्द उठ गया होगा कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि काफी लोग तो अपने चुनाव प्रचार का जो इक्का था, जो पत्ता था, जो ट्रम्प कार्ड था, जो मास्टर स्ट्रोक था, उसको तो चला भी नहीं था अभी तक। लेकिन अब ऐसे में यहां रोक दिया गया है, यहां कहा गया है कि जरा आराम कीजिए। तो ऐसे में क्या कुछ राजनीतिक पार्टियां सोच रही है, राजनीतिक पार्टियों के लिए इस बार सुविधा ऐप भी बनाया गया है कि सुविधा ऐप के जरिए आपको थोड़ी बहुत सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 24.9 लाख वोटर भी बढ़े हैं, वोटरों की संख्या भी बढ़ी है। इसके साथ ही साथ एक बूथ पर 1000 से कम वोटर की संख्या, हालांकि उत्तराखंड में यह ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा है कि एक बूथ पर मुश्किल ही होता है कि 1000 से ज्यादा वोटर नजर भी आए। ऐसे हमारे साथ संजीव वर्मा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इलेक्शन कमीशन आया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होंगे, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कोरोना को देखते हुए, कोविड को देखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं, कुछ फैसले लिए गए हैं। ये फैसले आप स्वागत कर रहे हैं इनका, या फिर आपको लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमी है? जिस तरह से कोरोना की विभीषिका को हम पूर्व में देख चुके हैं, कोरोना वन और कोरोना टू, इस तरह से पूरा का पूरा हमारी आर्थिकी, पूरा जनजीवन पूरी तरह से तहस नहस हो गया, और पूरा एक पूरा सिस्टम जिस तरह से पटरी से उतर गया, और केवल उत्तराखंड की और केवल भारत की बात हम ना करते हुए पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ, और यही दौर हमको ईश्वर ना करे कभी भी दोबारा देखना पड़े, उसके लिए हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी भी बनती है, और हम लोगों का एक सामूहिक प्रयास इस तरह का रहे कि हम लोग कोरोना की जो एक संभावित तीसरी लहर की बात चल रही है, उस संभावित तीसरी लहर को हम नकार सके और तीसरी लहर से हम बच सके, और साथ ही जो हमारे रोजमर्रा के कार्य हैं, डेली प्रोसेस है, और साथ में जो सन्निकट में हमारे चुनाव है विधानसभा के, वो भी एक बहुत स्मूथली चुनाव भी संपन्न हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान भी उत्पन्न ना हो। तो सरकार ने अपनी तरफ से, उत्तराखंड सरकार ने उसके लिए पूरी तरह से तैयारी करी है। भारतीय जनता पार्टी पहले से वर्चुअली माध्यम से अपनी जनसभाएं भी कर चुकी हैं, और वर्चुअल माध्यम से जनसभाएं हो सकेंगी उत्तराखंड में? सर, हमने कुछ जगह पे इसका प्रयोग किया है, कुछ पूर्व में हमने कुछ प्रयोग किए हैं, जो हमारी पार्टी मीटिंग्स हैं वो लगभग सभी हम लोग वर्चुअली कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि एक नया वो डेवलप करने में हमको थोड़ी कामयाबी मिली। हालांकि देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में पॉसिबल नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों में पॉसिबल नहीं, इस बात को आप मानते होंगे शायद। सर मैं स्वीकार करता हूँ, जहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है, डाटा कनेक्टिविटी नहीं है, उन जगहों में दिक्कत आएगी, निश्चित दिक्कत आएगी, लेकिन मतलब चलिए इस बहाने आपकी सरकार का ध्यान तो गया कि आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, आपका ध्यान तो गया। सर, सरकार का ध्यान की आप जहां तक बात करते हैं, सरकार लगातार इस और अग्रसर है इस चीज में डेवलप करने में, और जैसा कि आपको जानकारी होगी, उत्तराखंड में 4 जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं जो अभी नए स्थापित होने जा रहे हैं, वो 4 डाटा सेंटर जिनसे पूरे भारतवर्ष को, क्या शायद पूरे विश्व भर में को सुविधाएं मिलने जा रही हैं। तो 4 डाटा सेंटर्स, और वो उनमें से 3
पर्वतीय क्षेत्रों में लगने वाले हैं, जिनसे हमारे जितने सीमांत क्षेत्र हैं उनमें भी बहुत बड़ी एक उनको मदद मिलेगी। और मैं सोचता हूँ पर्वतीय विकास के लिए एक अमूल टूल, एक अस्त्र ये साबित होगा विकास के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज कही गई है कि इस बार पोलिंग बूथ की जो संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है, 16% बढ़ा दी गई है पोलिंग बूथ की समस्या। ये ज्यादा आपको लगता है कि ये 16% जो पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाई गई है, तो ऐसे में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ना मतलब दूर दूर पोलिंग बूथ, तो ऐसे में लोगों को ले जाना पोलिंग बूथ तक पोल करवाना मुश्किल। सर देखिए, जो पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ाई गई है वो एक तरह से कार्य का एक विकेंद्रीकरण हुआ है, और जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की बातें चल रही हैं कोरोना से विजय पाने के लिए, कोरोना को मात देने के लिए, तो उसके लिए काफी हद तक ये हेल्प करेगा। और जितने पोलिंग सेंटर ज्यादा होंगे उतनी भीड़ भाड़ भी कम होगी, लोग आसानी से पोलिंग कर पाएंगे और जो कोरोना का एक संभावित खतरा है उससे बच पाएंगे। ठीक है, अमरजीत सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, इलेक्शन कमीशन पश्चिम बंगाल में देखा, हर किसी ने कोसा, हर किसी ने क्रिटिसाइज किया कि इलेक्शन कमीशन कहता रहता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकी सुनती नहीं। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट फैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई आप ये नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि इसका कहना नहीं चाहिए लेकिन इसका पालन हो पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिल्कुल जमीन पर दिख पाएगा? निश्चित रूप से, मैंने अभी, मुझे लगता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो आश्वासन दिया है और मुझे लगता है पूर्ण भी होगा। बहुत से आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने उनसे सवाल भी किए और उन्होंने बहुत संभल के और सही जवाब दिए। मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जो पिछली बार हुआ जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में, दोनों में अंतर तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें फिर और भी जैसे उन्होंने जोड़ा कि किस प्रकार से कि अपराधीकरण राजनीति का ना हो, उस पर भी रोकथाम लगाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने गाइडलाइन जारी करी है, मैं उसका स्वागत योग्य वो कदम है, उनका धन्यवाद करता हूँ कि बेहतरीन कदम है। इस प्रकार से जो राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है, इस पर ये लगाम लगाने में बहुत बड़ा एक हमारा कदम है। चलिए ठीक है, ऐसे में हमारे साथ संगीता जी भी जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी से हैं आप। संगीता जी, आज ही आपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है, 24 कैंडिडेट्स का नाम आपने सामने रखे हैं और आज ही इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी बातें रख दी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। तो ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आम आदमी पार्टी की? वर्चुअल तरीके से रैली कर सकते हैं आप 15 तारीख तक, कैसे करेंगे जी? वर्चुअली भी, क्योंकि 16 तारीख है, रैलियां नहीं करनी है, उनको बिल्कुल उसका आगे रखेंगे जिससे कि हमें समय मिल पाए तो अपनी विधानसभा में जाकर प्रचार प्रसार कर सकें और वहां के लोग उन तक पहुंच सके, ब्रीफ में जानकारी देनी होगी। प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई किसी को भी? ये बहुत आयोग का एक स्वागत योग्य फैसले अच्छी बात है। जब कोई भी उम्मीदवार जब जनता के बीच जाता है बारे में पूरा पता होता है। अभी तो आप स्वागत कर रही हैं संगीता जी, लेकिन 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 स्वागत तो आप कर रही हैं, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड काफी केसेस हो जाते हैं, ये भी आम बात है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड काफी केसेस होते हैं, अगर वो केसेस किसी पर ज्यादा लग गए तो फिर समस्या भी तो है। नहीं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, नहीं करना है जिससे कि इस सीटों में फंस करके वो आगे को जाके परेशानी में पड़े।
बिल्कुल। और इस बार लेकिन महिलाओं पहले से पहले से केस चल रहे हैं या वो किसी चीज में फंस सकते हैं तो क्रिमिनल रिकॉर्ड तो उनका सामने रखना पड़ेगा, तो ये अच्छी बात है कि जनता को पता होना चाहिए कि हम इस उम्मीदवार को चुना है किस लोग। लेकिन अमरजीत सिंह जी ये एक और जानना चाहेंगे कि अमरजीत जी पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रैलियां जारी रहेंगी, जनसभा जारी रहेगी, लेकिन एक लिमिट सेट कर दी जाएगी कि 500 लोग रैली में आ सकते हैं, 500 लोग जनसभा में आ सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये ठीक है कि बिल्कुल ही रोक लगा दी गई बजाय इसके कि एक लिमिट सेट कर दिया था, क्योंकि लिमिट आप जानते हैं इसको कि पालन कराना बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं हो सकता इसका पालन, तो रोक लगना ज्यादा सही लगता है यहाँ पर। बिल्कुल नहीं, देखिए अगर आपको याद हो पहले भी आपकी हमारी जब बात हुई थी तब आपने कहा था कि कांग्रेस रैलियों पे रोक क्यों नहीं लगाती। बिल्कुल हाँ। तो कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी थी जिसने कि सबसे पहले निर्णय लिया, जब आपको याद होगा कि 9 तारीख को प्रियंका गांधी जी की रैली थी, उन्होंने रैली उत्तराखंड ही नहीं पूरे जितने भी हमारे इलेक्शन कोई भी स्टेट्स थी हर तरफ उन्होंने पूरी तरह रैली पे बैन लगाया। और साथ साथ हमारी तैयारी पैरेलल ये भी है कि हम लगभग जितने हमारे जिला मुख्यालय हैं हम उनको वर्चुअल रैली के रूप में, वर्चुअल जनसभा के रूप में हम जोड़ेंगे, और यहाँ के जितने भी हमारे नेता होंगे एक दूसरे से बात स्थापित करेंगे, इसकी हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है। और निश्चित रूप से जहाँ अभी आपने बात भी करी कि जहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत होगी वहां पर हम छोटे छोटे समूह बनाएंगे, दो दो पांच पांच लोगों के ऐसे टीमें बनाएंगे जो घर घर जाके इस प्रकार करके अपना प्रचार प्रसार करेंगी। हमारे लिए वहां एक दिक्कत जरूर है लेकिन फिर भी ओवरऑल आप जो हमें माहौल नजर आ रहा है कि पार्ट जो आम जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह त्रस्त है। तो हम वर्चुअल माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, या और भी जो हमारे माध्यम हो सकते हैं जिसमें कि हमें बड़ी बड़े रैली या जनसभाएं ना आयोजित करनी पड़े और हम लोगों तक पहुंचे, हम निश्चित रूप से पहुंचने का प्रयास करेंगे और उसकी तैयारी हमने शुरू कर भी दी। ठीक है, ऐसे में बीजेपी से हमारे साथ संजीव जी जुड़े हुए हैं, संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, ऐसा कहा जा रहा था कि पंजाब में पिछली दफा एक ही फेज में चुनाव हुए थे लेकिन इस बार दो फेज में हो सकते हैं, क्योंकि दो फेज में चुनाव का मतलब होता है कि इसको और ज्यादा व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है दो फेजेस में अगर बांट दिया जाता है। उत्तराखंड में भी ऐसा लग रहा था, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि शायद कोरोना को देखते हुए शायद दो फेजेस में चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं उत्तराखंड के इतिहास में, एक ही फेज में चुनाव हुए। तो आपको क्या लगता है कि दो फेज में कराना ठीक था या एक ही फेज ठीक है? देखिए, इसमें अपनी कोई टिप्पणी करना हमारे लिए शायद उचित नहीं होगा क्योंकि चुनाव आयोग एक सर्वोच्च संस्था है और एक स्वतंत्र बॉडी है, उसको जैसा एक मुनासिब लगता है जो राज्य के हित में और सरकार के जो पूरा सिस्टम है, जो पूरे सिस्टम के और जनता के हित में जो बेटर लगता है इस तरह से चुनाव आयोग निर्णय लेता है। जनता के हित में तो फिर अभी वोटिंग ही नहीं होनी चाहिए थी, वो तो इलेक्शन कमीशन ने आप सबसे पूछा, हर पॉलिटिकल पार्टी से पूछा कि इलेक्शन करवाएं कि ना करवाएं, तो आप सभी लोगों ने हामी भरी कि नहीं इलेक्शन टाइम पर ही करवाइएगा। देखिए, सब ने जिस तरह से जो भी चुनाव आयोग ने जो जो शर्तें रखी है सभी पार्टियां उस चीज का अनुपालन करेंगी और कर रही हैं और सबने हामी भरी है क्योंकि जनता की जान सबसे महत्वपूर्ण है, जान है जहान है ना, बाकी सारी चीजें ये सब कुछ अपने अनुसार चलता रहेगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, लेकिन जान की जो प्रायोरिटी है, जीवन की जो प्रायोरिटी है उसको टॉप उसपे देखना चाहिए, उसपे लेना चाहिए और सभी पार्टियां मैं सोचता हूँ इसका अनुपालन कर रही है और करेंगी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने तो अपने कायदे कानून अपना सब कुछ बता दिया A to Z, लेकिन आपकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़ा कैडर है, ज्यादा कार्यकर्ता हैं, ज्यादा नेता हैं, आप इलेक्शन में कैसे मैनेज करेंगे? हेलो, मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक है अपना बता दिया, अपना कायदा कानून उन्होंने सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे इलेक्शन को हम करवाएंगे, आपकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, ज्यादा कार्यकर्ता हैं, ज्यादा नेता हैं, ज्यादा बड़ा कैडर है, आप इलेक्शंस में कैसे मैनेज करने जा रहे हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे चीजों को?
देखिए, हमारी सरकार ने कल ही 15 जनवरी तक सभी रैली और जितने भी प्रदर्शन आदि है उन सब के ऊपर रोक पहले से लगा दी है और हम इसका आगे भी अनुपालन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है अमरजीत जी, कांग्रेस भी उत्तराखंड में एक बड़ी पार्टी, बड़ा कैडर, ज्यादा कार्यकर्ता, इलेक्शन कमीशन का ठीक है, आप कैसे मैनेज करेंगे? आप समझ रहे हैं वोटर्स को मैनेज करना भी होता है, एक कार्यकर्ता होता है, वो काफी लोगों को वोट डालाना, ले जाना, लाना, ये भी एक प्रक्रिया का ही, सिस्टम का ही काम है पूरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आप कैसे मैनेज करेंगे इस चीज को? देखिए अभी ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, 15 जनवरी की या डेट आने दीजिए, उसके बाद फिर जो नए नियम आएंगे उस हिसाब से देखते हैं क्या होगा। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो लगभग हमें ऐसा जैसा था कि इस प्रकार की रोक लगेगी और हमें रैलियों से, जनसभाओं से रोका जाएगा और जरूरी भी है, उसका हम समर्थन भी करते हैं, ऐसा नहीं। तो हमने आपको बताया कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से, वर्चुअल रैली की के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे और छोटे छोटे समूह बना करके हम लोगों के बीच उनको भेजेंगे। कार्यकर्ता हमारे बहुत है, प्रत्येक जो कार्यकर्ता चार चार पांच पांच छह छह लोगों की जो टीम होगी वो उनको गांव गांव जा करके अपने क्षेत्रों में जा करके उनको जोड़ने या समझाने का काम करेंगे और ये प्रयास करेंगे। हमारे पास टीम पर्याप्त है, इसमें कोई मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई मुश्किल आएगी। आप 15 जनवरी की डेट आ जाएगी, उसके बाद फिर जो नए नियम आएंगे उस हिसाब से अनुपालन होगा उनका। ठीक है, हालांकि ये कुछ नया नहीं है, लेकिन एक और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस बार जो चुनावी खर्चे की जो सीमा है वो 40 लाख कर दी गई, लिमिट सेट कर दी गई 40 लाख। ये भी अच्छा कदम है जिस प्रकार से, क्योंकि 28 लाख। एक चीज नहीं लगती अमरजीत जी आपको, एक चीज नहीं लगती, ये तो पहले भी फैसले आते रहे हैं कि इतनी लिमिट का ही आप खर्चा कर सकते हैं, लेकिन धनवर्षा होते हुए कि आप नहीं देखी, कि हमने नहीं देखा, कि संजीव जी ने नहीं देखा, कि संगीता जी ने नहीं देखा? देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा प्रयास किया है, जो हमें दिए जाते हैं मानदंड दिए जाते हैं उस हिसाब से हम काम करें, लेकिन हर एक बार ऐसा महसूस होता है कि जितना हमें लिमिट दी जाती है उसमें पर्याप्त नहीं हो पाता। हम धन्यवाद देते हैं चुनाव आयोग का, जो उन्होंने लिमिट बढ़ाकर 28 से जो है 40 लाख कर दी है। मुझे लगता है ये पर्याप्त है और सफिशिएंट है और ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये ना करते तो फिर जरूर उसमें कहीं ना कहीं पार्टी या कुछ लोग ऐसे हैं जो काला धन का उपयोग करते हैं और गलत है, तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये अब सफिशिएंट है जो 40 लाख रुपए उन्होंने दिया है, क्योंकि हमारा छोटा राज्य है, छोटी हमारी विधानसभाएं हैं। कंपैरेटिवली आप देख लीजिए अन्य राज्यों के मुकाबले लगभग यहाँ पे हमारे 85 लाख के करीब हमारे वोटर्स हैं, तो मुझे लगता है इन लोगों के हिसाब से हम 40 लाख प्रत्येक प्रत्याशी के हिसाब से। बड़े राज्यों को आप तुलनात्मक रूप से, बड़े राज्यों के लिए हमें, मुझे लगता है कि आज हम उत्तराखंड की बात करें तो हमें अपने राज्य की चिंता करनी चाहिए, तो हम अपने राज्य के हिसाब से देखें, उत्तराखंड के हिसाब से देखें तो ये एक सफिशियंट अमाउंट। ठीक है, उत्तराखंड के लिए सफिशियंट अमाउंट है। संजीव जी, 40 लाख लिमिट सेट सफिशियंट है? सर देखिए मैं सोचता हूं, बिल्कुल हाँ मत कीजिएगा, थोड़ा सा घुमा के रखिएगा, हाँ मत कीजिएगा, वरना सफिशिएंट तो आपके लिए पहले वाला भी था। सर देखिए मैं सोचता हूँ कि जैसे 40 लाख का जो लिमिट आई है, एक तरह से पारदर्शिता में एक वृद्धि होगी, काफी चीजें स्मूथ लाइन होती हैं। कई बार क्या होता है, देखिए जैसे हमारे उत्तराखंड में जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, वहां पे तो क्या होता है कि बहुत छोटा छोटा क्षेत्र है, एक 5-7-10 किलोमीटर के अंदर एक पूरी विधानसभा बनी हुई है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में यदि आप देखें तो बहुत सारी विधानसभाएं हमारी ऐसी हैं जिनका जो क्षेत्रफल है बहुत विस्तृत है और उसकी वजह से आना जाना कई सारी तरह की विज्ञापन है, कुछ और चीजें हैं, तो सारी चीजों का आप अगर उस चीज को देखें, कई जगह मैं सोचता हूँ ये जो 40 लाख का आपने हमारे चुनाव आयोग ने ये सीमा रखी है, इससे 40 लाख भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कई जगह ऐसा होता है कि 40 लाख भी शायद कुछ कम पड़ जाए, तो हर जगह की स्थितियां परिस्थितियां थोड़ी भिन्न-भिन्न है। जी, ठीक है, इसको आप अलग-अलग मान रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और चीज कही गई है कि महिलाओं के लिए इस बार खास तरह के मतदान केंद्र बनाए जाएंगे मतदान केंद्र।
ये चीज थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आई। खास तरह के महिलाओं के लिए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? सर मतदान केंद्र महिलाओं के लिए अलग जैसे बात आई है, मैं सोचता हूँ कि पहले भी लाइनें तो अलग अलग हुआ करती थी। वही 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 मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि व्यवस्थाएं पहले भी होता था कि महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था, इस बार कहा गया महिलाओं के लिए अलग से सुविधा, अलग से मतदान केंद्र, ये क्या है? अलग पोलिंग बूथ की संख्या, अगर अलग मतदान केंद्र बनाया जा रहा है तो वो एक अलग पोलिंग बूथ हो गया, तो कहने का क्या मतलब था, तात्पर्य क्या था? सर मुझे ऐसा लगता है जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूँ कि पोलिंग बूथों की संख्या तो शायद नहीं बढ़ाई है, लेकिन जैसे एक बूथ पे पहले 5 रूम हुआ करते थे या 4 रूम हुआ करते थे, शायद उसमें रूम्स की संख्या शायद बढ़ा दी गई है, और उससे क्या होगा कि जो हमारे कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की संख्या थोड़ी बढ़ेगी, उनका वर्कलोड कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई, कम कर दी गई संख्या। अच्छा कम कर दी गई, हाँ संख्या कम कर दी गई। पोलिंग बूथ भी बड़े हैं, पोलिंग बूथ बड़े हैं, पहले 10,500 बड़े हैं, पोलिंग बूथ में जो ड्यूटी ऑन ड्यूटी जो लोग होते थे उनकी संख्या कम कर दी गई। सर मुझे ऐसा लगता है, देखिए जैसे रूम्स के अंदर कुछ महिलाओं को थोड़ा सा और वरीयता देते हुए और ओवर क्राउडेड ना हो, ठीक है। एक और चीज, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है संजीव जी, उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे। दिव्यांग, कोरोना प्रभावित और 80 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए पोस्टल वैलेट की व्यवस्था की गई है, ये ठीक है उत्तराखंड के लिए? ये अच्छी सुविधा है, ये भी स्वागत योग्य कदम है चुनाव आयोग का। मैं सुन रहा था कोविड पेशेंट्स के लिए और बुजुर्गों के लिए ये जो सुविधा लाए, दिव्यांग लोगों के लाए, ये आवश्यक थी और सभी को अपना मतदान का अधिकार है और उनको मिलना भी चाहिए, ये अच्छी सुविधा है, ये अच्छी सुविधा है क्योंकि उत्तराखंड में मुझे लगता है कि ये ठीक रहेगा उत्तराखंड के लिए। संगीता जी क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार पहाड़ों में जो बुजुर्ग हैं वो बहुत दूर मतदान केंद्र है तो पैदल चलकर उतनी दूर नहीं जा सकते हैं, और दिव्यांग है उनके साथ भी यही परेशानी है, तो एक अच्छा कदम होगा कि वो भी अपना जो है मतदान कर पाएंगे बिना परेशानी के। तो ये चुनाव आयोग ने एक अच्छा फैसला लिया है। और पोस्टल वैलेट के बारे में ज्यादा लोग जानते भी हैं शायद, क्योंकि सेना से जुड़े हुए जो लोग हैं मशीनों से ज्यादा पोस्टल वैलेट लोग समझते भी हैं और चाहते भी हैं कि पोस्टल वैलेट से ही चुनाव हो। जी संजीव, जैसे दिव्यांगजन है जिन्हें आने जाने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बुजुर्ग लोग हैं या किसी छोटी मोटी बीमारी वगैरह से कुछ पीड़ित लोग हैं, उनको अगर आने जाने में कोई तकलीफ होती है, अपना बूथ तक जाने में कोई दिक्कत है, तो वो लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, अपना मतदान कर सकते हैं, ताकि उन लोगों के मन में ये भी ना रहे कि मैं वंचित रह गया। तो मैं सोचता हूँ निर्वाचन आयोग ने ये जो एक कदम उठाया है एक सराहनीय कदम है, इसकी हमको सराहना, मतलब राइट टू वोट सबका बना रहना चाहिए। अब आते हैं चुनावी बात पर, शुद्ध प्योर चुनावी बात पर। अमरजीत जी, अब तारीख भी पता लग गई है, अब बहुत मेहनत करनी है, और इतनी मेहनत के बीच में इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा बैरियर भी लगा दिया है, अब आप अपने आप को कहां खड़ा पा रहे हैं, तैयार हैं पूरी तरह से? देखिए बिल्कुल तैयारी है हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की भी हमारी बैठक हो चुकी है, दिल्ली में हमारा लगभग पैनल तैयार है। हम इंतजार में थे कि चुनाव आयोग अपनी ये तारीखें घोषित करे, तो उसमें कोई हमारा ज्यादा उसमें वर्किंग रह नहीं गई, लगभग हमारा काम हमारा कंप्लीट है। आप देखेंगे लगभग 15 तारीख के आसपास ही आप हमारी पहली लिस्ट जारी हो जाएगी, उसके बाद जो है तो दूसरी दो दिन के गैप में, 3 दिन के गैप में, तो ये हमारी सूचियां लगभग तैयार है। इसमें आम आदमी पार्टी की जो पहली लिस्ट आई है, आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को तो कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे, आम आदमी पार्टी मिल नहीं रही, देखकर कैसा लग रहा है? आज भी एक मिनट सुनिए, इनकी वो देख लीजिए, अनंत राम जी इनको छोड़ के चले गए, जुगराण जी इनको छोड़ के राज चले गए,
तो इनके साथ कोई रहना नहीं चाहता और आने वाला इनके पास कोई है नहीं, तो इन्होंने एक लिस्ट जारी कर भी दी और बाकी जब जारी करेंगे, ये कोई बहुत इनके लिए महत्वपूर्ण, हमारे लिए मतलब ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं रह जाता आम आदमी पार्टी का, ये कब जारी कर रहे हैं और कितनों की जारी कर रहे हैं। ठीक है संगीता जी, जब 24 लोगों की लिस्ट जारी करी, जब ब्रेकिंग चली, तो हमको लगा कि कांग्रेस और बीजेपी वालों ने लिस्ट देखी होगी, काफी एक्साइटेड हुए होंगे कि क्या है, किसके नाम है, लेकिन अमरजीत सिंह जी तो बिल्कुल ही नीरस लग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें कोई इतना कुछ नहीं, इनके कार्यकारी अध्यक्ष छोड़ के चले गए, रविंदर जुगराण जी छोड़ के चले गए, मैंने कह रहा हूँ इनके यहाँ से जाने वाले लोग ज्यादा हैं जिनको एहसास हो रहा है कि आम आदमी पार्टी में उनका कोई भविष्य नहीं और उनका भविष्य वहाँ नहीं और आम आदमी पार्टी का भविष्य बहुत चल रहा है, कई सीटों पर इनका अंतर कलह है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री चेहरा भी अपना घोषित किया और सबसे पहले इन दोनों पार्टियों से पहले ही अपनी लिस्ट भी जारी करी जैसा कि आम आदमी पार्टी ने कहा था, और आगे भी हम जल्दी ही जो हमारे प्रत्याशी बचे हैं उनकी लिस्ट जारी कर देंगे। ये तो अभी रूठ में मनाने का दौर भी चलेगा और बहुत कुछ होगा कांग्रेस और बीजेपी में जैसे ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी, तो ये पहले अभी उस कलह से निपटने की कोशिश में है कि किस तरह से किया जाए, कहीं नाम जैसे ही जाहिर हो तो फिर पता नहीं खेत में बवाल खड़े होंगे, क्योंकि किसके बेटे को टिकट दें, किसकी बहू को टिकट दें, किसको कहां से टिकट दें, अपनी अपनी विधानसभाएं छोड़कर लोग दूसरी विधानसभाओं में जाकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इनकी पार्टी में तो ये आलम है क्योंकि अपनी अपनी विधानसभाओं में उन्होंने काम किया नहीं है, तो अब उन्हें लग रहा है कि दूसरी जगह जाएं और वहां से चुनाव लड़ें। तो अभी इन चीजों को, इन दोनों को समझना है, इसलिए अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं कर पाए हैं या इन्होंने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है, क्योंकि पहले ये उस चीज को निपटा लें तभी लिस्ट निकालेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है, इसने पहले ही कहा था कि आम लोगों को टिकट दिया जाएगा और आम आदमी पार्टी आम लोगों की ही पार्टी है, तो इसीलिए 24 कैंडिडेट हमारे फाइनल हो चुके हैं और आगे भी बहुत जल्द लिस्ट जारी हो जाएगी। ठीक है संजीव जी, आप पर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अमरजीत जी, जितनी भी बातें संगीता जी ने की हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि इशारे आपकी तरफ थे। नहीं, मुझे ना संगीता जी की आवाज ठीक से आई नहीं, थोड़ा सा आप बता दीजिए क्या कहा है। मैं संगीता जी ने जो पूरी बात कही उसका लबोलुआब ये है कि हमने अपनी लिस्ट जारी कर दी, ये लोग अपनी लिस्ट भी जारी नहीं कर पाएंगे, अगर ये अपनी लिस्ट जारी करेंगे तो सबसे पहले तो लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। कहां लड़ाई होती है, जहां पर लोग आतुर होते हैं कि टिकट उनको मिले, अच्छा तो वहां तो लड़ाई होगी, आप मतभेद होंगे, मान मनोवा लोग सब ठीक है, लोग सब मिलके लगेंगे चुनाव में, जिसके पास कैंडिडेट ही नहीं है उनके यहाँ क्या लड़ाई, क्या मतभेद, क्या मनभेद, कुछ नहीं, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा अमरजीत जी, रिसेंट टाइम में इससे बढ़िया तर्क किसी ने नहीं दिया आज तक, बड़ा इंप्रेस कर दिया आपने इस तर्क के साथ। नहीं तो बात इंप्रेस कर, जो हकीकत है उनके पास, मुझे बताए कैंडिडेट है कौन से, हमारे पास तो है, हमारे तो प्रत्येक लगभग ऑन एन एवरेज की बात करूं तो प्रत्येक विधानसभा से 8 से 10 लोग भी हैं, कई कई विधानसभा ऐसी हैं जहां 15-15 लोग भी हमारे दावेदार हैं, तो दावेदार कौन होंगे, क्यों होंगे दावेदार, पार्टी अगर कहीं जीतने की संभावना रखती है, विधायक कहां जीतने की संभावना रखते हैं, तो वही से तो टिकट के दावेदार होंगे, तो जिनके दावेदार ही नहीं है और जिनके पास कोई जीतने की संभावना नहीं है तो वो तो पार्टी आज भी जारी कर देते, एक महीना पहले भी कर देते, और एक महीना के पहले को तो कोठियाल जो काफी समय संजीव पहले वो संजीव जी ठीक है, संजीव जी से पूछ लेता हूँ, संजीव जी आपके यहाँ लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि अमरजीत सिंह जी का कहना है कि लड़ाई होती है तो इसका मतलब है कि लोग ज्यादा दावेदारी कर रहे हैं, लड़ाई नहीं है तो मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं है, खूब लड़ाई खूब चल रहा है ना, सब कुछ लड़ाई, बहस, विवाद, नाराजगी सब कुछ है कि नहीं है, टिकट मांगना लड़ाई नहीं है, लोग अपना अपना दावा पेश करते हैं। देखिए सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, अपनी अपनी परिभाषा है, कोई किसी को कैसे परिभाषित कर रहे हैं तो ये उनका अपना विचार हो सकता है। नहीं, ये सबसे शानदार तरीके से परिभाषित किया गया और डिफेंड किया गया वर्ड है, ये तो मुझको लगता है सभी नेताओं को अपने पास रख लेना चाहिए कि जब भी लड़ाई का कोई विजुअल उनकी पार्टी कार्यालय की तरफ से सामने आए कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता आपस में लड़ गए तो यही वाला चिपका दीजिए। कविंदर जी, नहीं कविंदर जी आप मुझे बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई किस प्रकार की हो, तो जग जाहिर है दावेदार ज्यादा नहीं, एक एक कुछ दिनों पहले कांग्रेस में जिस तरह से इनके प्रदेश महामंत्री श्री राजेंद्र शाह ऊपर जो मारपीट हुई उस प्रकरण का आज की बहस से कोई ताल्लुक नहीं, और जिस तरह उस प्रकरण से आज की बहस का कोई ताल्लुक नहीं, जिस तरह से उस अमरजीत जी थोड़ा सा बोलिए, उस प्रकरण का कोई ताल्लुक नहीं है, आपको बीच में नहीं बोला, प्लीज बोले प्लीज
मैं परिभाषा की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ। जिस तरह से वो उस दिन मारपीट हुई, जबरदस्त तरीके से उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए और एक इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसको आपके जो महामंत्री संगठन बने हैं उन वो भी उस झगड़े में वहां पे बीच बचाव करवा रहे थे और वही प्रत्यक्ष दर्शी की भूमिका में भी थे। बाद में उन्होंने कहा अरे हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा ये लोकतंत्र की जो आपने परिभाषा दी है, इससे तो पूरा का पूरा उत्तराखंड शर्मसार हो गया। और अगर आपके यहाँ इसी को लोकतंत्र कहते हैं तो ऐसा लोकतंत्र आपके श्री राहुल गांधी जी को मुबारक। आपका प्रश्न कुछ और था, इनका उत्तर कुछ और आ रहा है। हम ऐसे लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते, लेकिन लोकतंत्र पे ही विश्वास नहीं करते। समस्या तो ये है शर्मा जी, नहीं नहीं, ऐसे लोकतंत्र पे, ऐसे लोकतंत्र पे हम लोकतंत्र भी अलग अलग हो गए क्या? लोकतंत्र में आप पार्टी हो गए संजीव जी, लोकतंत्र में पार्टी हो गए आप, बड़ी बड़ी पार्टियों ने जहाँ उससे अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो, जहाँ उसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हो, जहाँ पर संगीता जी आप, संगीता जी आप ही चार नेता और छह ग्रुप हो, तभी सभी की दिशाएं अलग अलग हो, जहाँ लोग विपक्ष से लड़ने के लिए और दूसरे पार्टी से लड़ने के लिए बाद में जाएंगे, लेकिन पहले फाइटिंग का दौर आपकी अपनी पार्टी के अंदर चल रहा है, पहले आप उससे निपट लीजिए। संगीता जी, अमर जी, दोनों पर आप, दोनों पर पहले आप एक निपट लीजिए। संजीव जी को बोलने दीजिए, संजीव जी को बोलने दीजिए, फिर आप दोनों पर आएंगे। ठीक है कविंदर जी, मैं आपसे ये विनती है मेरी कि आज की जो आपकी बहस थी ना, बहुत सभ्य भाषा में सभ्य तरीके से हो रही थी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैंने जैसे ही बोला कि अब ये प्योर पॉलिटिकल डिबेट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, जैसे ही मैंने ये टर्म यूज किया आप सब लोग एक्टिवेट हो गए। वहाँ समस्या ये है कि आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न पे तो शर्मा जी आए नहीं। उस प्रश्न का आपने जो जवाब दिया ना, मैंने वही बात बोली, उस प्रश्न का जो जवाब है वो हर पार्टी का जो प्रवक्ता है, हर पार्टी का जो नुमाइंदा है वो रख सकते हैं। बात ये हो रही थी कि आप जो टिकट बंटवारे की बात हो रही थी, कैसे देंगे, कब देंगे, किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, आप देर से क्यों दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी जल्दी क्यों दे दिया, सवाल तो आपका ये था। अब मेरा सवाल ये नहीं था अमर जी, रुकिए अमर जी, अब आप भी घुमा रहे। मेरा सवाल ये था, संगीता जी ने जो जवाब दिया उससे एक सवाल उत्पन्न हुआ। सवाल ये उत्पन्न हुआ कि आपकी पार्टी जब टिकट बांटना शुरू करेगी तो संगीता जी ने कहा कि आपस में सब लड़ जाएंगे, तो आपने कहा इसलिए लड़ जाएंगे क्योंकि ज्यादा दावेदार हैं इसलिए लड़ जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब जो भारतीय जनता पार्टी की तरह पक्ष आना चाहिए था, ये जवाब वहां से ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ये पक्ष वहां से नहीं आया, ये हमने संजीव जी क्या कहना चाह रहे हैं। संजीव जी 20 सेकंड में इस पर पक्ष दे दीजिए कि ज्यादा जो लड़ाई देखने को मिलती है वो इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि दावेदार ज्यादा है। तो आप जब टिकट वितरण करेंगे तो आपके यहाँ क्या विवाद देखने को मिलेगा, लड़ाई देखने को मिलेगी? कतई नहीं सर, कतई नहीं, मतलब दावेदार नहीं आपके यहाँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा सर, मैंने बात लड़ाई की कही। हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और एकजुटता से हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं, विकास का मॉडल के ऊपर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। हमने विकास किया है, हमने विकास किया है और 2022 में 60 प्लस का जो हमारा ध्येय वाक्य है हम उसको पूरी तरह से साकार करते हुए एक बहुत बड़े बहुमत के साथ पुनः सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात की। अमरजीत जी आप पर आ रहा हूं, अमरजीत जी आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन अमरजीत जी आपने जो बात कही ना उसको मैंने टोटली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपकी बात से अगर इस फॉर्मूले को मैं अगर पंजाब में फिट कर देता हूं ना, पंजाब में, तो कल या परसों की एक खबर है कि राघव चड्ढा साहब एक कार्यालय में पहुंचे थे अपने, राघव चड्ढा साहब के सामने ही आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे आपस में लड़ गए, सब एक दूसरे के ऊपर हाथ चले, घूसे चले, सब चले, मतलब इनके पास ज्यादा दावेदार हैं पंजाब में। मैं आप देखो विषय आज का उत्तराखंड का, लेकिन आपने पंजाब को बीच में लिया है। हाँ। मैं यही अंतर बता रहा हूं, चल गए ना आम आदमी पार्टी वालों के बीच में, इसलिए मैंने कहा आपकी बात ज्यादा दावेदार है वहां पर। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात करो, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। हाँ। कोई इनको जन सरोकार नहीं है, कोई इनकी पार्टी में जुड़ना नहीं चाहता, जो है वो आज छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। जुड़ने वाले नए नेता तो छोड़ दीजिए उस बात को, मैं यही अंतर बता रहा हूँ।
इसलिए ये टिकट जल्दी भी जारी कर दें या एक दो महीने छह महीने पहले इन्होंने मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया, तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। और रही बात अगर आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देंगे तो लोग कह रहे हैं कि आपकी पार्टी से तो बहुत बड़े बड़े चेहरे निकल जाएंगे नाराज होकर। जब हमने एक रणनीति के तहत हमने घोषणा न करने की बात की है तो ये पार्टी का निर्णय है, इसमें हम आज घोषित करें न करें क्या महत्वपूर्ण बात है मुझे बताइए। पार्टी ने निर्णय लिया है संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जाएगा, हरीश रावत जी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें घोषणा कहाँ रह जाती है। बहुत ज्यादा कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो, कोई बात ऐसी खड़ी हो जो सवाल खड़े हो। अमरजीत जी आपने स्वीकार कर लिया कि आप अमरजीत जी आपने स्वीकार कर लिया कि हरीश रावत जी आपके अगले सीएम के उम्मीदवार होंगे? आप बात को कहाँ फंसा रहे हैं संजीव जी, फंसाइए मत। आप बात ना ना उन्होंने एक बार नहीं दसों बार रावत जी ने खुद कहा है और अमरजीत जी ने अभी कहा, अमरजीत जी ने अभी कहा हरीश रावत जी के नेतृत्व में, यानी क्या कैंपेन इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं ये कहा। आप सुन लीजिए, आप वो कब मुझे लगता है मेरी बात का जवाब कविंदर जी खुद दे रहे हैं। वो हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कह लीजिए, अगुवाई कह लीजिए, शब्दों को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके पेश करना कर लीजिए, लेकिन उसका कुल मिलाकर अर्थ यह है कि उनके अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव जीतेंगे, कोई भी हो सकता है, विधानमंडल दल तय करेगा, कुछ तय करेगा। आज ही हम केवल उनका नाम घोषित कर दे कि हमारे भावी मुख्यमंत्री वो नहीं है, ये कहा जा रहा है। और रही बात फिर आज भी आपने कहा कि हमारे, आप सुन लीजिए, आपने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई सिरपटावल नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, तो मैं कहे तो आपको मैं विधानसभा गिना देता हूँ कहाँ का कितने कितने। श्रीनगर देख लीजिए, रायपुर देख लीजिए, डोईवाला देख लीजिए, मतलब यहाँ पर इनके ज्यादा दावेदार हैं, यहाँ पर इनके ज्यादा दावेदार हैं। कविंदर जी वो तो खुद धामी जी को नहीं पता कि वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, एक सीट से लड़ेंगे कि दो सीट से लड़ेंगे, वो खटीमा से लड़ेंगे, किच्छा से लड़ेंगे कि वो डीडीआर से जाके लड़ेंगे। अरे कुछ दिन पहले तो ये भी नहीं पता था कि हरीश रावत जी आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। मैं तो खुद कह रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है चुनाव भी ना लड़े, वो चुनाव का नेतृत्व करें। अमरजीत जी, अमरजीत जी बीच में यूकेडी का दामन थामने के लिए चले गए थे हरीश रावत जी, ऐसी बातें करते हैं। मतलब अब जो है एक राष्ट्रीय पार्टी जो है यूकेडी का दामन थामे चली जाएगी, कोई बात का आपका सिर पर होगा तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। अमरिंदर सिंह जी तो खुद ही पार्टी बना दी है, चलिए छोड़िए, तो खुद ही पार्टी का छोड़िए, हम मुद्दों की बात करें जो आज का सवाल है। ठीक है, संगीता जी पर आएंगे। संगीता जी, उत्तराखंड में अब पहली बार पूरे तरीके से एंट्री मारकर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तराखंड में, अब डेट भी आ गए हैं, और आप कर्नल अजय कोठियाल साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब पूरी तेजी के साथ काम करना है, पूरी मजबूती के साथ काम करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से आज बंदिशें लगाई हैं, कुछ कुछ लगा दिया है, तो अब उसके लिए संसाधनों का होना ज़्यादा जरूरी है, इक्विपमेंट्स का होना ज़्यादा जरूरी है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने का ज़्यादा जरूरी है, ये सब है आपके पास उत्तराखंड में? क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात करें तो आपका आलाकमान जो है उत्तराखंड का, जो आम आदमी पार्टी का आलाकमान है जो दिल्ली में है, वो लोग उत्तराखंड के बारे में इतना वाकिफ भी नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे कैंपेन को लीड करना है, किस तरीके से काम करना है, तो आप यहाँ पर नहीं लगता कि कहीं पीछे पिछड़ रहे हैं? देखिए अदल अजय कोठियाल जी उत्तराखंड से हैं और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो भी उत्तराखंड के ही हैं, तो वो कहीं ना कहीं हाईकमान और उनके बीच में वार्तालाप चल रहा है और हुआ भी है और आगे भी होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही जैसी भी यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जैसी जिस विधानसभा की आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ प्रचार प्रसार तेजी में किया जाएगा, और वो सारे संसाधन मौजूद है और पहले भी हम बहुत सी रैलियां करते आए हैं और आगे भी जिस तरह की भी गाइडलाइन है चुनाव आयोग की और जो भी हमारे कोरोना के लेकर भी गाइडलाइन है उन सबको ध्यान में रखते हुए आगे की हमारी वर्चुअल रैली और जिस तरीके से भी हम अच्छे से अच्छा लोगों के बीच जा करके कर सकते हैं वो सारे प्रयास करके आम आदमी पार्टी अभी भी लोगों के बीच पहले भी पहुंच रही थी और घर घर जा रही थी और आगे भी उस तरह से जा करके अपनी सारी चीजों को बताएगी, घोषणाओं को बताएगी और जनता को बताएगी और आगे काम भी करेगी। आप तीनों लोगों को बता दूं कि तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में आप तीनों ही पार्टियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बाकी बहुत खूबसूरती के साथ आपने अपनी बातें रखी, डिबेट को मंच को आगे बढ़ने दिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव होना है, 10 मार्च को उत्तराखंड में जब मतपेटियां खुलेंगी तब किस पार्टी की किस्मत खुलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। चर्चा हमारी थी, समय अब समय ही डिसाइड करेगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।
वेदांता, एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का